छठे चरण के लिए मतदान की प्रक्रिया सुबह 7 बजे से लगातार जारी है। 8 राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों की 58 सीटों पर आज वोट डाले जा रहे हैं। लोग अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने के लिए घरों से बाहर कर रहे हैं और कई खास चेहरे भी इस दौरान वोटिंग करने के लिए बाहर निकले। तो देखिए, मतदान की प्रक्रिया लगातार चल रही है। सुबह 7 बजे से वोटिंग की प्रक्रिया शुरू हुई है। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, सौरभ भारद्वाज ने मतदान किया। अब इस समय तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू अपना मतदान कर रही हैं। इस समय ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू अपना वोट डाल रही हैं, ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। और ये एक संदेश भी है पूरे देश के लिए कि अगर देश की प्रथम नागरिक मतदान कर रही हैं तो आपकी भी जिम्मेदारी बनती है कि आप मतदान करें, क्योंकि ये आपका लोकतांत्रिक अधिकार है। और अगर जिन 58 लोकसभा सीटों पर आज वोट डाले जा रहे हैं, अगर वहां के लोगों ने आज मतदान नहीं किया शाम 6 बजे तक, तो फिर आपको 5 साल का इंतजार करना होगा। तो देखिए, हर आम और खास जो है अपने घरों से बाहर निकल रहे हैं अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने के लिए, लोकतंत्र के इस महापर्व में हिस्सा लेने के लिए। इस बीच मतदान करने पहुंची राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर रही है, पोलिंग बूथ पर पहुंची हुई है। और देखिए, बड़ी नजीर पेश की जा रही है आम लोगों के बीच की, आप भी पहले मतदान कीजिए और बाद में जलपान। ये लोगों को समझाने की बड़ी कोशिश की आपको भी मताधिकार करना है, अपने मताधिकार का इस्तेमाल करना है। ये ना सिर्फ आपका अधिकार है बल्कि एक बड़ी जिम्मेदारी भी आपके कंधों पर, चूंकि देश को सशक्त और एक मजबूत सरकार अगर देनी है तो उसके लिए आपको वोट करना होगा। तो 7वें चरण का मतदान जो है वो 1 तारीख को होना है। 6ठे चरण का आज मतदान हो रहा है, उसके बाद 4 जून को नतीजे आ जाएंगे। और 6ठे चरण की अगर हम बात करें तो आज 889 उम्मीदवार चुनावी मैदान में है। वही दिल्ली की सभी सीटों पर वोटिंग जारी है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू अपना वोट कास्ट करने के लिए पहुंची हुई है। और इससे पहले भी हमने आपको दिखाया कई बड़े चेहरे अपने अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने के लिए पोलिंग बूथ पर पहुंचे। और देखिए, यह भी बड़ी कोशिश चुनाव आयोग की तरफ से, साथ ही साथ राजनीतिक पार्टियों के कंधे पर भी बड़ी जिम्मेदारी कि पहले 5 चरणों में जो चुनाव हुए हैं इस बार प्रतिशत ज्यादा होना चाहिए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जिन्होंने वोट कास्ट कर लिया है पोलिंग बूथ से बाहर निकलते हुए, और ये देखिए यहाँ पर लिखा है I'm a proud voter। यहाँ पर जो इनकी उंगली पर स्याही का निशान है वो दिखाते हुए, और ये संदेश आप सभी के लिए जिनकी आज बारी है कि आपको भी अपने अपने मताधिकार का इस्तेमाल करना है, अपनी जिम्मेदारी को पूरा करते हुए आगे की तरफ बढ़ती हुई राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। और न्यूज इंडिया भी लगातार आपसे यह अपील कर रहा है कि आप भी अपने कर्तव्य का पालन करें, अपनी बारी आने पर वोट का, अपने वोट का इस्तेमाल जरूर करें, अपने मताधिकार का इस्तेमाल जरूर करें। तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मतदान कर दिया है, ये बड़ी खबर इस वक्त की। देश की प्रथम नागरिक राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उन्होंने वोट डाल दिया है, ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। अभी अभी उन्होंने मतदान किया और उसके बाद एक संदेश भी ये देने की कोशिश देशवासियों को कि मतदान आपका लोकतांत्रिक अधिकार है और इस अधिकार का इस्तेमाल जरूर करें। देखिए, सुबह सुबह राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मतदान किया और उसके बाद उन्होंने प्राउड वोटर भी शो किया कि एक मतदाता के तौर पर वो प्राउड फील कर रही हैं। अपनी उंगली पर लगी वो नीली स्याही के निशान
उन्होंने दिखाई और पूरे देश को एक संदेश दिया कि मतदान जरूर करें।